गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून। आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ आफ्टरनून में, क्योंकि सुबह है ना सब मैशअप हो जाता है और काम में व्यस्त रहते हैं, तो फोन मतलब फोन नहीं लेते तो व्लॉग स्टार्ट करने का याद नहीं रहता। अगर हम स्टार्ट करके साइड में रख देते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं आती। और आज है ना रंजू भी लेट उठा था, 9:30-10 बजे उठा था, क्योंकि है ना रात को वो 2 बजे तक सोया था, सोया क्या जाग रहा था, 11 बजे उठ गया था फिर 2 बजे सोया था, तो उसकी वजह से वो भी लेट उठा था। और सुबह में मुझे थोड़ा सा न्यू काम करना था तो वो कर रही थी, 2 राउंड मशीन के किए, अभी 3रा टॉवल डाले हैं, 1 हफ्ते से टॉवल नहीं डाला था तो वो वॉश करने के लिए मैंने डाले हैं। और आज है ना 11 है तो उसका फरार मैंने बनाया है, ये वीडियो कल आएगा तो वैसे है। अभी क्या बनाया है वो मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे है सूखी भाजी बटेका की, कोरिएंडर नहीं डाली है, नहीं थी, और 6 मम्मी कोरिएंडर, ओके। और ये मिर्ची मम्मी की फेवरेट, उसको पसंद है तो मैंने मम्मी के लिए फ्राई की थी। और इसमें है पीनट्स तले हुए, और इसमें है साबुदाना टोमेटो की वेफर, साथ में है वेफर फ्राई की थी, और हमारा दही। और ये बटेका का मैंने ऐसे ही रख दिया है, मम्मी को सीरा खाना था तो अभी मम्मी को लेट होगा खाने में, क्योंकि मैं अर्ली खाना खा लेती हूँ, क्योंकि फिर प्रांशु का मसाज वगैरह सब रहता है तो उसकी वजह से मैं अर्ली खाना खा लेती हूँ। तो अभी ये मम्मी बनाएंगे बटेका का शीरा, और उसकी रेसिपी अगर चाहिए ना तो आई बटन पे क्लिक करो, मैंने है ना लाडूज किचन में अपलोड की थी इसकी रेसिपी बटेका का शीरा की, तो वो देख लो। और ये अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट है ना मैंने अभी से ही बना ली है, क्योंकि रात को मुझे बनानी है साबुदाने की खिचड़ी। आज है ना लाडूज किचन का एक वीडियो मुझे मिल गया है, साबुदाने की वड़े और साबुदाने की टिक्की मैंने बनाई थी, तो उसके लिए सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए थे, मेन इंग्रेडिएंट्स जो आते हैं वो सब लिए थे। और फराल का होता है, फरारी होता है तो हम सिंधु नमक डालते हैं, तो एक बाउल में मैंने साबुदाना मैंने 2 से 3 घंटे भिगोए थे, तो एकदम मतलब जितना खिचड़ी करने में लेते हैं उतना नहीं भिगोना है, थोड़ा कम भिगोना है। और पोटैटो है ना मैं ऐसे छील के डालती हूँ, स्मैश करके नहीं डालती हूँ। और पीनट का मांड मूँगफली का जो भूखा करती हूँ वो दर दरा पीसती हूँ उसको। और हरी मिर्च हमें एकदम स्पाइसी वाली लेनी है। और फराल का है तो हम ज़्यादा कुछ मसाले वगैरह ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ ब्लैक पेपर पाउडर मरी पाउडर ही ऐड करेंगे और नींबू का जूस ऐड करेंगे। सब चीज़ अच्छे से मिक्स कर देंगे एक बार ताकि बाइंडिंग भी अच्छा आ जाए, आप चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं। और एक हाथ में मैं थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करूँगी और छोटे छोटे इसके बॉल्स बना लूँगी। मुझे है ना नेल पेंट्स का बहुत शौक था, आप देख सकते हैं, अभी नहीं करती हूँ प्रांशु की वजह से, नेल पेंट रिंग वगैरह का सबका बहुत शौक है, पर अभी प्रांशु को लग जाए उसका सब ध्यान में रख के नहीं करती हूँ। और अभी मैं बना लूँगी टिक्की, थोड़ी सी टिक्की का भी टेस्ट बहुत फाइन आता है। ये मेरी सारी टिक्की रेडी हो गई है और सब बॉल्स भी रेडी हो गए हैं। अभी मैंने यहाँ पे अपम का पैन लिया है और यहाँ पे मैं घी और तेल मिक्स कर रही हूँ, उसकी वजह से है ना आपकी जो टिक्की और जो साबुदाने के वड़े बनेंगे ना वो एकदम क्रिस्पी बनेंगे। तो अभी थोड़ा थोड़ा एक ब्रश लेके थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर दूँगी, एकदम ये जो रेसिपी है वो एकदम लेस ऑयल में कुक हो जाएगी। तो इसमें सारे बॉल्स ऐड कर दूँगी और फिर ऊपर से भी थोड़ा सा ब्रश ऑयल और घी लगा दूँगी। और भी दूसरी साइड में रख रही हूँ टिक्की को शेलो फ्राई करने के लिए, आप चाहे ना तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर शेलो फ्राई में एकदम कम ऑयल घी यूज़ होता है, उसकी वजह से मैं प्रिफर करती हूँ शेलो फ्राई का। थोड़ा सा गर्म हो जाए पैन भी, और इसका मीडियम टू लो फ्लेम रखना है, क्योंकि अगर हाई फ्लेम के करेंगे ना तो साइड में से पूरा ऊपर से जल जाएगा और बीच में से कच्चा रहेगा। अभी सारी टिक्की मैं रख दूँगी इसमें, आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट करना, अगर कोई और रेसिपी चाहिए वो भी कमेंट करना, मैं आपको दूंगी रेसिपी। ये आप देख सकते कितनी अच्छी गोल्डन ब्राउन हो गई है मेरी टिक्की,
और बॉल्स भी रेडी हो गए हैं, अभी हम इसको निकाल लेंगे। एकदम क्रिस्पी हो गए हैं, अब देख देख के भी आपको पता चल सकता है कि ये कितने अच्छे फ्राई हो गए हैं, शैलो फ्राई हो गए हैं, और टिक्की भी हो गई है। तो हम इसको भी नहीं, टिक्की को मैक्सिमम 5 मिनट्स तो लगते ही है, बॉल्स को इतना टाइम नहीं लगता पर टिक्की को लगता है। तो ये मेरी प्लेट रेडी है, चलो खाना खा लेते हैं। ના રે ના, પકડું છે પણ કાન તો આયા રાખી છે